सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके माय आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल के आइकन पर ताकि आप आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन पा सकें। इस वीडियो में मैं आपको जेंट्स रुमाल बनाने बताऊंगी और बनने के बाद ये बिल्कुल रेडीमेड लगते हैं और उससे भी बड़ी बात ये है कि ये काफी किफायती और टिकाऊ होते हैं क्योंकि हम इन्हें अपनी पसंद के फैब्रिक से बनाते हैं और ये काफी मजबूती से बनते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने हाथ से बनी हुई चीज की खुशी अलग ही होती है। ये मैंने व्हाइट कलर का एक कॉटन का रुमाल काटा हुआ है और आप किसी भी कलर का रुमाल बना सकते हैं, लेकिन उसको कॉटन का ही आपको बनाना है। उसका कपड़ा मोटा या बारीक हो सकता है, लेकिन होना चाहिए कॉटन ही। और मैंने इसको स्टैंडर्ड साइज का काटा हुआ है। ये इसका एक सिरा 20 इंच का है, यानी चारों तरफ से 20-20 इंच है, क्योंकि इसमें मोड़ने के लिए थोड़ा ज्यादा लेना पड़ता है। करीब 1.25 से 1.5 इंच तक इसको हम मोड़ने के लिए रखते हैं एक साइड से। सबसे पहले हम इस पर मोड़ने के लिए निशान लगाएंगे, तो वो निशान हमें थोड़ा ज्यादा चौड़ाई का लगाना पड़ता है। उसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगी। 1 इंच से कम तो मोड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं रखना है और 1.25 से 1.5 इंच तक हम इसको मोड़ने के लिए रखते हैं। तो मैं इसको 1.25 इंच रखती हूँ एक तरफ से, तो 1.25 इंच पर हम इस तरह से इसके चारों तरफ निशान लगाएंगे। 1.25 इंच का निशान मैंने इस तरफ लगाया है और चारों तरफ हमें इसी तरह से निशान लगाने हैं। एक 1.25 इंच का निशान हम यहां से इधर से इस तरफ लगाएंगे ऐसे। देखिए 1.25 इंच की दूरी पर मैंने चारों कोनों पर इसके ये निशान लगा दिए हैं। ये निशान लगाने के बाद हम क्या करते हैं, हम एक सुई लेते हैं और यहां से इसी निशान के ऊपर से एक धागा उठाते हैं इस तरह से, क्योंकि ये कॉटन का है और हमें धीरे धीरे इसी लाइन में ये धागा पूरा खींचना है। और ये बीच में से टूट भी सकता है क्योंकि कॉटन है, लेकिन हमें एक लाइन इसी तरह से एक सीधी बना लेनी है। जहां से टूट जाएगा हम उसी लाइन पर से धीरे से एक दूसरा धागा भी खींच सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारी एक जाली सी बन जाती है इस तरह से। और अगर हमारा धागा कहीं बीच में से जैसे टूटता है और हमें पता नहीं चलता कि वो धागा कौन सा है, तो हम कोई और धागा भी उसकी जगह से अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसी जगह से कम 7 से 8 धागे निकालने होते हैं और हो सकता है 9 धागे भी हमें निकालने पड़ सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी बड़ी जाली बनानी होती है। और जब हमारे थोड़े से धागे निकल जाते हैं तो हमें खुद ही पता चल जाता है कि किस जगह से हमारा धागा टूटा हुआ है और किस जगह से धागे कम निकले हुए हैं, किस जगह से ज्यादा निकले हुए हैं, तो हम खुद ही उस लाइन को सीधा कर देते हैं। देखिए जैसे ही हमारे ये धागे निकल गए हैं, इसी तरह से हमें चारों तरफ जो मैंने वो निशान लगाए हैं उन निशानों पर से चारों तरफ से ये धागे निकालने हैं। ये धागे निकालने के बाद आप 2 इंच यहां से 2 इंच के दूरी पर एक निशान लगाए इस तरह से, और चारों तरफ आपको इन धागों से यहां से 2 इंच की दूरी पर निशान लगाना है इसी तरह से। देखिए जो निशान मैंने यहां से 2 इंच नीचे लगाया था उस निशान पर से फिर हमें 3 से 4 धागे निकालने हैं इसी तरह से, सेम तरीके से 3 से 4 धागे हमें निकालने हैं। देखिए हमें इस तरह से ये धागे निकालने हैं। ऊपर जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था वहां से हमें 7 से 8 धागे निकालने हैं, और ये नीचे जो मैंने यहाँ से 2 इंच की दूरी पर ये निशान लगाया था वहां हमें 3 या 4 धागे केवल निकालने हैं, और चारों तरफ से हमें इसी तरह से धागे निकालने हैं। देखिए ये इस तरह से हमें इसके धागे निकालने हैं चारों तरफ से। देखिए जो मैंने बताया था कि मोड़ने के लिए इसमें हमें ज्यादा लेना होता है, उसका रीजन ये होता है कि कई बार हम कितना भी सीधा अपना कपड़े को काटते हैं
लेकिन वो सीधा नहीं होता और धागे निकालने के बाद क्या होता है कि कई जगह से जैसे धागा बिल्कुल सीधा निकलता है और कई जगह से क्या होता है कपड़ा हमारा बिल्कुल कम रह जाता है मोड़ने के लिए, क्योंकि धागा बिल्कुल हमारा सीधा होता है और कई बार कटिंग हमारी बिल्कुल सीधी नहीं होती। तो अगर हमारा कहीं से धागा बिल्कुल, ये धागा हमारा सीधा निकलने के बाद कहीं से थोड़ा उल्टा सीधा भी कटा हुआ है तो हमें मोड़ने के लिए अगर ज्यादा जगह हमने छोड़ी हुई है तो हमारा आराम से वो मुड़ जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी पसंद का आप कोई भी डबल करके धागा सुई में डालिए और धागा हम वही यूज करते हैं जो अपने कपड़ों में सिलाई में यूज करते हैं। तो मैंने ब्लैक कलर का धागा डाला हुआ है सुई में, इसको हमें डबल करना होता है। और जो हमारी नीचे वाली लाइन है जिसमें हमने तीन से चार धागे निकाले हुए हैं, इसमें हम थोड़ा सा इसकी दूरी से इस तरह से सुई निकालेंगे, क्योंकि अगर हम यहां से निकालेंगे तो ये धागे ये गांठ हमारी यहां से निकल जाएगी इस तरह से। और फिर हम इस तरह से तीन चार धागे उठाते हुए और तीन चार धागे छोड़ते हुए इस तरह से पूरे रुमाल पर इसी तरह से हम ये टाके निकालेंगे छोटे छोटे इस तरह से। बराबर बराबर हमें ये धागे छोड़ने हैं, बराबर बराबर ही धागे उठाने हैं। आप आईडिया से भी उठा सकते हो इस तरह से। और देखिए ये इस तरह से हमें ये पूरी लाइन बनानी है और पहले हमें नीचे के चारों लाइन इसी तरह से बनानी है और ये करीब करीब दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसे होती है, देखिए इस तरह से। और ये यहाँ इस जगह लाकर मैंने इसको पक्का कर दिया है। और हमें सुई में कम से कम इतना धागा जरूर लेना है कि हमारी ये एक लाइन पूरी हो जाए, यानी कि इसमें बीच में हमारी गांठ नहीं आनी चाहिए। और ये नीचे की चारों लाइन बनाने के बाद हम अपने रुमाल के कलर का धागा लेते हैं, उसको भी हम डबल लेते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से पहले इस तरह से फोल्ड करते हैं और फिर जो हमने ये धागे निकाले हुए हैं बिल्कुल उसके ऊपर वाले सिरे तक इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम अपनी सुई निकालते हैं और फिर हम यहाँ से ये छह सात धागे इस तरह से उठाएंगे और फिर दोबारा यहां से इस तरह से देखिए उसी जगह पर दोबारा से उसी जगह से हम सुई डालेंगे यहां पर इस तरह से। और ये हमारी एक जाली सी बन जाएगी और ये बंद सी जाती है इस धागे से इस तरह से। और फिर ये धागा ये सुई हम ऊपर की साइड निकालेंगे जो हमने कपड़ा मोड़ा हुआ है ताकि ये इसमें जुड़ जाए इस तरह से। और फिर हम इसी तरह से ये इतने सारे इतने धागे उठाते हैं, बराबर बराबर धागे हम उठाएंगे, ये आइडिया से हम उठा लेंगे इस तरह से, ऐसे सुई निकालते हैं और फिर उसी जगह से फिर वहीं पर सुई निकालेंगे इस तरह से। और फिर इसके ऊपर इस कपड़े के जो हमने मोड़ा हुआ है इसको जोड़ने के लिए यहां पर हम, और ये हमारी एक जाली सी बनती चली जाएगी इस तरह से, देखिए ये इस तरह से हमारी जाली सी बनती चली जाएगी इस साइड से भी और इस साइड से भी, ये दोनों साइड से करीब करीब एक जैसा है। और देखिए ये हमारा रुमाल इस तरह से तैयार होता है और ये उल्टा और सीधा करीब करीब बिल्कुल एक जैसा होता है। देखिए इसका आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये किधर से उल्टा है और किधर से सीधा है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you.
Gents.